हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुलशन गुप्ता फ्रॉम मऊ डिस्ट्रिक्ट। आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि टेक्सटाइल फाइबर में कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में कितने कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसका नॉलेज अच्छे से रखोगे तो आप कहीं भी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा सकता है। और अगर यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो डिप्लोमा टेक्सटाइल से, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर में। सबसे पहले फाइबर आता है। अब इस फाइबर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल फाइबर और सेकेंड हमारा होता है मैन मेड फाइबर। ओके, अब जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जिसको इंसान ह्यूमंस नहीं बना सकते। नेचुरल फाइबर में दो तरह का होता है, एक पहला होता है वेजिटेबल और सेकेंड होता है एनिमल, यानी कि जो फाइबर वेजिटेबल से, सब्जियों द्वारा और जो जानवर द्वारा फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। अब देखते हैं वेजिटेबल फाइबर में क्या क्या होता है। वेजिटेबल फाइबर्स में कॉटन्स आते हैं जो कि पौधों से हमें मिलते हैं, जूट आते हैं और रेमी आते हैं। और एनिमल्स फाइबर्स में हमारे आते हैं सिल्क, कैमल, जो कि कैमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनसे फाइबर बनते हैं, स्पाइडर सिल्क, ऊल। गाइज, आपको ऊल के बारे में पता होगा कि ऊल जो होता है भेड़ जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं मोहेयर। गाइज, ये था नेचुरल फाइबर्स। अब चलते हैं मैन मेड फाइबर्स क्या होता है, जो ह्यूमंस द्वारा तैयार किए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, पॉलीमर होता है और दूसरा होता है मिनरल। पॉलीमर में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं बताते हैं आपको। पहला जो फाइबर होता है एक्रिलिक और पॉलिस्टर, जो प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं, और जो होता है नायलॉन और स्पैंडेक्स स्पैंडेक्स। चलते हैं मिनरल में ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर ग्लास होता है और होता है कार्बन। तो गाइस, ये है फाइबर्स के पार्ट्स। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर रहे हैं, ताकि जो सामने वाला इंटरव्यू लेगा तो उसको पता चल जाएगा, हाँ लगता है लड़की को फाइबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो आपको उसके माइंड में लगेगा हाँ लगता है इसको अच्छे से नॉलेज है। तो गाइस, आपका यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और भी कुछ कमी होगी तो मेरे को कमेंट्स में कुछ भी लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।